आइए मैं आपको बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के गणित की किताब की अध्याय समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का हल बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इजी आसान तरीका से मैं बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा और आप अवश्य ही समझ पाएंगे। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो जो दिया गया है उसको देखिए पढ़िए। 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट करके दिया है 100 पदों तक, यानी 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? 100 पदों का। तो A1 पहले लिख दीजिए, A1 बराबर हो गया 0.6, A2 बराबर हो गया 1.7, N बराबर हो गया कितना? 100। हमें क्या क्या निकालना है बच्चों? तो D इक्वल टू 1, SN इक्वल टू 1, ये दो चीज हम लोगों को चाहिए। आइए तो हम लोगों को लिखना है, पहले D निकालना है, लिखेंगे अब D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। देखिए दशमलव वाला घटाव या जोड़ कैसे बनाइएगा। देखिए 1.7 में से 0.6 घटाना है तो सीधा यहाँ लिख दीजिए 1.7, फिर दशमलव के सामने दशमलव डाल दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाएं साइड क्या है? 0, तो ठीक 1 के नीचे यहाँ 0 डाल देंगे। दशमलव के दाएं साइड क्या है? 6, तो यहाँ 6 डाल दीजिए। 7 में से 6 गया कितना? 1.1। कितना गया? 1.1 गया। तो बराबर हो जाएगा D का मान 1.1। ठीक है बच्चों, आइए अब हम चलते हैं फॉर्मूला पर। अब लिखेंगे Sn बराबर n बटा 2 cos 2a प्लस n माइनस 1 गुने क्या? d। ठीक है, अब Sn यानी 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो s 100 हो जाएगा बराबर n का मान 100 बटा 2 cos 2 गुने a का मान हो गया 0.6 प्लस n का मान हो गया कितना? 100 माइनस 1 गुने d का मान हो गया 1.1। 50 × 100 बराबर हो जाएगा यहाँ 50। अब देखिए गुना में कैसे किया जाए दशमलव का गुना, ध्यान दीजिए 2 गुना है 0.6, ठीक है, इसको दशमलव को हटा दीजिए, 2 गुने सिर्फ 6 ही कीजिए, दशमलव को हटा कर ही पहले गुना कर लीजिए, तो 2 × 6 कितना हुआ बच्चों? 12। कितना आया गुणनफल? 12। अब देखिए इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं दाएं साइड? तो 1 अंक है। कितना अंक है? 1। तो अब जो गुणनफल आया उसमें भी बाएं तरफ दाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया जाएगा, यानी हो गया 1.2 जोड़ 100 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 99 × 1.1। उसी प्रकार आप 99 में 1.1 से गुना करेंगे, देखिए 99 × 1.1, ठीक है, दशमलव को पहले हटा करके तब गुना कीजिए, तो 99 × हो जाएगा 11, बराबर हो गया 11 × 99 = 9, हाथ में 9, 11 × 99 = 9, 99 = 100।
108 हो गया। देख लीजिए आप गुणा करके नीचे 1099 1099 1099 9 9 9 8 9 10 0 1 1089 आया। तो 99 में 11 से गुणा करने पर 1089 आया। अब देखिए इसमें दाएं साइड दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है। तो गुणनफल में भी बाएं से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया जाएगा। दशमलव बैठाइए दाएं से एक अंक के बाद, दाएं से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए। इसमें दाएं साइड एक अंक है दशमलव के बाद, इसलिए गुणनफल में भी दाएं साइड एक अंक के बाद क्या बैठेंगे? दशमलव बैठा देंगे। यह हो गया आपका कितना बराबर हो जाएगा 50 कोस 1.2 जो कितना हो गया 108.9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। आइए देखिए कैसे जोड़ेंगे। 1.2 को पहले लिख दीजिए 1.2 हो गया। दशमलव के सामने ठीक दशमलव दे दीजिए। उसके बाद देखिए दशमलव के बाएं साइड कितना है 8 का 8 उठा लिखेंगे, 1 के सामने लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है 0, तो 0 लिखिए। फिर क्या है 1, 1 लिख दीजिए, हो गया। अब दशमलव के बाएं साइड का हो गया, दशमलव के दाएं साइड कितना है 9। अब देखिए 0 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 डाल दीजिए, इस 1 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 डाल दीजिए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 9 2 11 की एक हाथ में 1.8 है 1 9 1 10 0 हाथ में 1 1 की 1 को 1 यानी 1 से 1 110.1 आ गया। अब बराबर हो जाएगा 50 × 110.1, ठीक है। अब देखिए अब 110.1 में 50 से गुणा कर दीजिए। फिर उसी प्रकार 0 लगा देते हैं हम, पहले ही 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5 एक अंक के बाद दाएं से दशमलव लगा देंगे, यानी हो जाएगा 5505। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। कितना आ गया इसका आंसर 5505। इसके 100 पदों का जो हो जाएगा आंसर में लिख देंगे 100 पदों का योग कितना है 5505 है। इसके 100 पदों का योग कितना है 5505 है, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जुगल किशोर प्रसाद YUGALKISHORPRASAD जो यहाँ बोर्ड पर भी